Assalamu alaikum, this is Hiba Bukhari and you're watching Something Hot. Don't forget to subscribe. Assalamu alaikum, my name is Hasan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is Hard to Hot. इतना टाइम गुजर गया है आखिरी मुझे इंटरव्यू किए हुए कि मुझे अपना इंट्रो ही नहीं याद आ रहा था कि मैं बोलता क्या था. लेकिन इस इंटरव्यू के पिछले इंटरव्यू से और इस इंटरव्यू के बीच में जो वक्फा आया है इसकी खास वजह है बिकॉज मैं एक ऐसे एक्टर को परसू कर रहा था पिछले कुछ दिनों से नहीं पिछले कुछ हफ्तों से नहीं पिछले कुछ महीनों से कि मैं चाह रहा था कि अब जो वक्फा आया तो वक्फे के बाद बैंग करके ये इंटरव्यू आए और आप लोग भी उस इंटरव्यू को उतना ही इंजॉय करें जितना मैं एक्सपेक्टेडली इस इंटरव्यू को इंजॉय करने वाला हूं. बिकॉज ये वो एक्टर हैं कि जिनके ड्रामे को हम पहली किस्त से रिव्यू करते आ रहे हैं और बड़े ही कीन अंदाज में ड्रामा देखते भी आ रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस को फॉलो करते आ रहे हैं और इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बेतहाशा रिव्यू और कॉमेंट भी करते आ रहे हैं, क्रिटिसाइज भी करते आ रहे हैं. तो मुझे लगा कि इनसे मिलके जब ये बात होगी और जब आमना सामना होगा और वो टाकरा होगा तो हम दोनों को भी बहुत मजा आएगा और आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा. तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं somebody who is extremely talented and might I just add she is looking absolutely stunning right now and nothing like her character that we see on television. Of course I'm talking about none other than Hiba Bukhari. Assalamu alaikum Hiba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kaisi hain Hiba aap? Mujhe pata tha agla sawal ye tha isliye maine pehle hi keh diya bilkul theek. Bilkul theek hain aap? Alhamdulillah. Maine aap mujhe lagta hai ki aap interviews dekh ke aayi hain sare ki kya कि no, क्या सवाल पूछते हैं? Not at all, बिल्कुल नहीं. बल्कि अच्छा पता है मैंने भी बिल्कुल नहीं देखा था. मुझे था कि मैं देखूं कुछ बट मैंने नहीं देखा. आई वाज सो एक होता है ना वो बिल्कुल चल रहा होता है कंटिन्यूसली काम 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 अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बट वो इस तरीके से स्टक था. फिर बीच में तबीयत खराब थी, सब कुछ इतना सारा था कि मुझे टाइम नहीं मिला. मैंने कहा मैं जितना देखूंगी मैं उतना कॉन्शियस होंगी, मे बी मैं कुछ सोचूंगी एंड आई थिंक अबाउट इट, सो लेट्स जस्ट गो. Dive. But you do know who I am, right? Oh yes, you. I know who you are. I know who you are. I am missing Amna right now. I'm like, where is she? She should be here also. But I actually like it. I the point is that you know you people look at it and you people follow it. I think that's nice. That's good. You're happy with our reviews and stuff. Why not? It's okay. Anna, completely. Yeah. You've seen our reviews? Obviously. Anna, all of them. All of them. All of them. All the criticism also. Yes. I've watched all of them. Mummy. So yeah. This is so going to be a fun conversation and we're going to talk about Fitoor and Dilnishin as well. But my first impression of you when you walked in today, and this is the first time I'm meeting you, was that Hiba, you look nothing like Dilnishin in your real life. I actually asked you this and I'm going to ask this again because that is that a compliment or is this like... It's a compliment because we've been talking so much about Dilnishin ki look. और दिलनशीन एक सर्टन तरीके के साथ रहती है या एक सर्टन तरीके के साथ लगती है, उसके कपड़े एक सर्टन तरीके के होते हैं कि मुझे लगा कि शायद अभी जब आप आऊंगी उसी फ्रॉक में, मैं उसी हील के साथ और वैसे ही बाल हुए हुए होंगे, लाल जोड़ा पहन के या पीला जोड़ा, जो उसके पर तीन ही रंग है, एक सब्ज, एक लाल और एक पीला, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. अम्मा सेड नीला भी है. नीला भी है, ब्लैक भी है. इनफैक्ट अच्छा यू नो देयर वाज दिस थिंग कि मैं देख रही हूं, मैंने कहा कि कुछ कंटिन्यूटीज के और हमारे बिकॉज़ अच्छा एक ये है कि इट हैज लाइक ग्रैंड, ऑल ऑफ इट वाज सो ग्रैंड के एक्टर्स ग्रैंड, लोकेशन ग्रैंड, सब कुछ ग्रैंड. हमारे जो एडीज थे वो भी थोड़े से इधर उधर हो गए थे. तो मैं एक्चुअली खुद देख रही थी, मैंने कहा एक एपिसोड में मैंने अभी काला पहना है जो मैंने बहुत लंबी कंटिन्यूटी में काला पहना है, और उसके बाद फिर बीच में मैंने एक सीन के लिए कुछ छोटा सा कुछ डिफरेंट किया, आई डोंट इवन रिमेम्बर, और फिर मैंने बहुत लंबी कंटिन्यूटी में ब्लैक पहना है. एंड आई वाज लाइक व्हाई इज दैट हैपनिंग. बट यू नो व्हाट, व्हेन यू आर शूटिंग, यस ओके, क्योंकि मैंने आप लोगों के सारे रिव्यूज देखे हुए हैं, तो यू गाइज एक्चुअली पॉइंट दिस आउट कि एक्टर्स के ऊपर अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम जो है इस तरीके से करें या कुछ भी, समथिंग लाइक यू नो कि आपको खुद देखना पड़ता है कुछ. लेकिन व्हेन यू आर शूटिंग स्पेसिफिकली इन सच सर्कमस्टेंसेस, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग देयर, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग. सो यू नो जब आप उस सारे सर्कमस्टेंसेस में शूट कर रहे होते हैं तो बहुत बार आपके दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं. ठीक है, वो होता है कि अच्छा हाँ सही क्या है, किस तरीके से, दैट इज द रीजन कि आपके पास असिस्टेंट्स होते हैं, यू हैव मेकअप आर्टिस्ट एंड यू हैव अदर पीपल टू यू नो गिव अप दैट कि यार ये यूं नहीं होगा, कि आप भूल सकते हैं क्योंकि मेरी कॉन्टिन्यूटीज मैं भूल सकती हूँ, वो मेरे एडी के पास लिखी हुई होंगी, मेरी चीज़ें वो उस तरीके से उसके हिसाब से प्रॉपरली होंगी. सो व्हेन दे कम अप टू मी एंड दे लाइक कि अच्छा आपने ये इस तरीके से करना है, तो हम उसी के ऊपर ही रिलाई करते हैं कि अच्छा आई यू शो. बट आई स्टिल रिमेम्बर आई एंड
सफेसर कुरैशी वर डूइंग अ थिंग, और उसके अंदर ये चीज थी कि उन्होंने क्या किया कि हमने एक सीन किया, और सीन करने के बाद हमने कहा कि अच्छा आप मुझे बताएं कि हमने क्या करना है, पूरा सीन कंप्लीट हो गया। अच्छा वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि बहुत गर्मी है, पूरा जो रूम था वो उसके अंदर ग्लास थे, तो वो पूरी लाइट्स जो थी वो रूम को हीट अप कर दिया था, और बिल्कुल हम लोग यूं थे कि अच्छा हम पसीने हो रहे हैं, हमारा मेकअप कहीं जा रहा है, बाल कहीं जा रहे हैं, कपड़े कहीं जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। और पूरा सीन करने के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा वो नीचे अभी आपने मुझे लैपटॉप दे दिया था और अब आप लैपटॉप लेकर आए हैं, और ये मैंने पॉइंट आउट किया था, ये उन्होंने खुद याद आया, कहते यार ये लैपटॉप मैंने इसको नीचे दे नहीं दिया। मैंने कहा हाँ, कहते नहीं नहीं बॉस, मैंने कहा हाँ, कहते नहीं नहीं बॉस, मैंने कहा हाँ, एंड दे वर लाइक के एंड वी लाइक ओके वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस अगेन बिकॉज दैट्स नॉट आवर जॉब, वी डू रिमेम्बर एट टाइम्स, वी लाइक यार इसके साथ ये पहना है शायद, एंड दे लाइक नहीं नहीं बॉस ये, एंड वी लाइक बॉस नहीं, एंड दे लाइक नहीं नहीं बॉस वी हैव अ पिक्चर, वी हैव अ कंटिन्यूटी पिक्चर, वी हैव रिटन इट, एंड वी लाइक ओके यू हैव रिटन इट सो इट्स ओके, सो वी जस्ट गो विद इट। तो देर आर डिफरेंट टाइम्स के आप इजी हो जाते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर, तो इट्स परफेक्टली फाइन। सो वी विल गेट बैक टू फितूर एंड स्पेसिफिकली दिलनशीन्स वार्डरोब चॉइसेस एंड हर फैशन सेंस, उस पे ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, हम हिबा के चाइल्डहुड में जाना चाहेंगे। अच्छा। और हम हिबा से ये पूछना चाहेंगे कि व्हाइल ग्रोइंग अप हिबा का शौक था एक्टिंग करने का या एक्टर बनने का, या जो यंग हिबा थी उनका क्या ख्वाब था कि वो बड़ी होके क्या बने? बचपन में आई थिंक वो समवेयर बिहाइंड माय हेड, वो एक होता है ना पीछे कहीं पे, शायद ऐसा था कि एक इंस्पिरेशन होती है, एक होता कि यार आई वांट टू बी दिस, ये होता था कि अच्छा वो आई थिंक नॉर्मली होता है कि मिरर में देख के, एंड देन यू जस्ट यू नो जस्ट, तो आई यूज्ड टू जस्ट सिट एंड व्हाइल स्टडिंग मैं पढ़ रही होती थी और मेरे साइड पे सारे मिरर्स लगे होते थे, तो मैं यूजुअली ऐसे देखते 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 और मैं यूं देख के और फिर मैं करके थोड़ा यूं करती थी, थोड़ा ऐसे करके हाँ क्या पढ़ा मैंने, हाँ ठीक। बट ऐसा था नहीं कि एक्टर एक्टर बनना, बिकॉज आई थिंक हमारे यहाँ पे ये होता नहीं है कि हमने एक्टर बनना है, क्योंकि नॉर्मली नॉर्मल घरों में नहीं होता कि आप एक्टर बनेंगे बड़े होके। कौन कहता कि यार मैं बड़े होके एक्टर बनूंगा, शायद बहुत रेयर लोग होते हैं। अभी भी जब मैं फील्ड में देखती हूँ कि कोई मुझे कहता कि यार हम तो एक्टर ही बनना चाहते थे और हम एक्टर बने, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो क्या आप क्या चला था आपके दिमाग में कि मतलब पहली बार आपने शाहरुख खान को देखा था या पहली बार आपने मोहम्मद अली साहब को देखा था या किसको आपने देख के आपने कहा कि भाई मैं तो हीरो बनूंगा, मतलब मैं भी हीरो बनना चाहता हूँ। तो आपने किसको देखा था जब आपने ये सोचा? किसी को नहीं, आई यूज टू थिंक ऑन माई ओन। इवन कई बार ऐसा होता था कि अगर गाड़ी में गाने चल रहे हैं तो मुझे नहीं पता था कि इसकी पिक्चराइजेशन कैसे होती है, या मैंने वो गाने नहीं देखे होते, तो मेरे दिमाग में वो पूरा एक सिनेरियो चल रहा होता था, वो पूरी फिल्म चल रही होती थी और मैं उसके अंदर परफॉर्म कर रही होती थी, तो वो गाने मेरे बारे में होते थे और मेरे लिए होते थे और मैं ही होती थी। एट व्हाट पॉइंट डिड यू थिंक कि यार कि ये जो मेरे लिए गाने लिखे जा रहे हैं और जो मेरे लिए गाने बन रहे हैं, लोग गा रहे हैं, तो मुझे चाहिए कि मैं खुद इन गानों में आना शुरू हो जाऊं? आई नेवर थॉट दैट। यू नेवर थॉट दैट? एक्चुअली ये नहीं सोचा कि मुझे कैमरे के ऊपर जाना चाहिए, कैमरे के आगे जाना चाहिए? नहीं, मुझे एग्जैक्टली कैमरे के आगे इज अ नाइस थिंग। मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, हमेशा से बहुत शौक था। मेरे अब्बू मेरी फोटोग्राफी के इंस्पिरेशन थे एंड आई वाज लाइक कि हाँ मुझे फोटोग्राफी करनी है। अगर कभी मुझे होता था कि अच्छा एक ड्रीम जॉब होती थी तो मुझे लगता था इट विल बी आई वांट टू बी अ कैमरामैन, आई वांट टू यू नो शूट। सो यू हैड कैमरास व्हाइल ग्रोइंग अप? यस, लॉट्स ऑफ देम, लाइक एंड अभी भी यू हैव योर ओन कैमरा एंड स्टफ? So I have my camera का phone अलग and बाकी normal phone अलग और अलग से DSLR अलग सब अलग। And so at family events then we can expect Hiba to be taking pictures of people? No, actually you know what I tell you, this is something also there कि हुआ ये कि हम जैसे कोई भी event होता या कुछ भी तो उसके अंदर I'm like कि हाँ picture बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, and फिर मैं देखती हूँ नहीं नहीं अच्छी नहीं बनी, छोड़ो ला दो, तो मैं खुद ही इधर उधर बैठ के पिक्चर। कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने BTS बनाने शुरू कर दिए, पिक्चर्स बनाने शुरू कर दी कि मैं लेट के मैं ये पिक्चर्स बना रही हूँ, आई एम जस्ट डूइंग ऑल दिस, एंड लाइक ओ देखो देखो ये बाबू खाली क्या करें, लाइक ओके डोंट डिलीट करो डिलीट करो, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, दैट्स अ क्राइम, आई विल रिपोर्ट इट। सो बट दैट इज हाउ इट इज। तो फोटोग्राफी से फिर फाइनली इवेंचुअली एक्टिंग का शौक आया कैसे? वो आपकी एक स्टोरी है, हमने सुन चुके हैं, आप डिफरेंट इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि आप गई आर्ट्स काउंसिल, वहाँ पे कुछ समर कैंप टाइप सिचुएशन थी, समर कोर्स था, यूथ फेस्टिवल, यूथ फेस्टिवल था 7 दिन का, उसमें थिएटर भी था, एक्टिंग भी थी, सिंगिंग भी थी, तो आपने फोटोग्राफी भी थी, आपने फोटोग्राफी चूज की, लेकिन जो सिंगिंग साथ में सेलेक्ट कर ली, लेकिन अम्मा वाज लाइक बिकॉज़ यू कैन नॉट गो फॉर एक्टिंग, कौन करता एक्टिंग, ऐसे सीखो आ जाओ बस सही है।
बट अहमद शाह साहब ही वाज देयर एंड ही वाज लाइक कौन जा रही हो इधर जाओ एक्टिंग में डिड ही नो यू नो अच्छा एमी हां ही इज लाइक दैट यू नो आई शुड एक्चुअली आई शुड से दिस ही इज लाइक दिस ही इज माशाल्लाह माशाल्लाह सो एनर्जेटिक एंड ही इज इवन नाउ व्हेन यू लुक एट हिम ही इज लाइक सो यू नो जस्ट यू कर लो ये कर लो ये कर लो कहां जा रही हो इधर आओ यहां कर लो ये कर लो वो कर लो एंड यू लाइक हां हां तो मतलब मैंने इंस्पायर्ड कि मैं यूजुअली ये होता था कि कुछ भी करना था तो मैं मम्मी से जाके पूछती थी मम्मी ये कर लूँ ये हो गया ये थोड़ा सा ऐसे जब उन्होंने कहा मेरे अंदर से एक आवाज़ आई मैंने कहा okay. तो ये शाह साहब को वैसे फिर क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हीरा परख लिया उन्होंने टैलेंट पर जैसे हम होता है मैं बहुत रश था आई रिमेम्बर बहुत रश था वो पूरा जगह भरी हुई थी और मैं यूं जा रही हूँ वो यूं आ रहे तो ऐसे होता ना यानी समवन अचानक से बीच में रुके कहता कहाँ जा रही हो मैंने कहा जी वो सिंगिंग के उधर उधर थिएटर में जाओ मैंने कहा Okay. अच्छा अब ये भी हो सकता है कि उन्होंने शायद इसलिए कहा होगा सिंगिंग में ज्यादा हो गए हैं या थिएटर में कम थे या कुछ वो बड़े या डिड ही एक्चुअली स्पॉटेड टैलेंट इन यू एट दैट मोमेंट आई डोंट नो बट यू नो ही यू शुड आस्क हिम नाउ आई शुड आस्क हिम नाउ आई व्हेनेवर आई सी हिम आई विल आस्क शाह साहब अबाउट इट सो यस बट यस उसके बाद फिर अगेन यू नो फिर मेरे लिए बहुत सारी चीजें बहुत इट वाज लाइक अ पाथ वो खुद ही 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 हां आपने ये भी बोला है कि वो खुद ही होती गई हां होती वाजंट लाइक यू एंड ऑन अ सीरियस नोट अगर ये नहीं होता तो शायद मैं नहीं कर रही होती बट आपको क्यों लगता है ये क्यों होती गई इन चीजें सर नहीं पता आपने कभी सोचा नहीं कि ये यूं होती गई प्रोबेबली दिस वाज डेस्टिनी कैन बी आई स्टिल आई यू नो देयर आर टाइम्स दैट यू नो आई सेड एंड आई एम लाइक अच्छा मैं बहुत बार क्योंकि इंसान होता है तो इंसान ऐसे ही बोल देता है यार I'm just tired and I'm, you know, I cannot do this. And ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है. I can just not do this. कि किस तरीके से होगा? And then I look around and then I see that there are people who are working hard for it, for everything. Maybe they're having आवाज की training, they're having acting की training, they're working for it, they're doing different things on themselves, they're going, even crossing boundaries to achieve some a specific goal. But I just have it alhamdulillah alhamdulillah mashallah so I think that's the blessing of god and I think I should be thankful to that so mashallah you think you've achieved the goal which was to what do, become an actor I don't think or become a performer I don't think I have achieved an goal any goal like specifically because I don't set goals I am one of those that I don't set goals I want to be one to set a goal but I don't set goals तो एक्टिंग करना या एक्टर बनना उस पॉइंट पे आई लव माय जॉब तो ये गोल नहीं था ये गोल नहीं था ये क्या था पैशन था हॉबी थी हॉबी है हॉबी या प्रोफेशन बन गया है हॉबी थी और अब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स मोर ऑफ दैट पैशन आई लाइक डूइंग माय जॉब आई लाइक इट गिव्स मी दैट यू नो दैट वाइब दैट स्मूथनेस कि अच्छा हाँ मैंने ये सीन किया है मैं ये करके आई हूँ I love living those characters. I love them. मुझे पता है कि मैं हिबा हूँ ठीक है बट मुझे पता है कि मेरी एक स्पेसिफिक बाउंड्री है लेकिन वो कोई और कैरेक्टर है जिसके अंदर ये चीज़ नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी जैसे फितूर की बात करें हम दिलनशीन की बात करें तो कहीं ना कहीं वो हिबा के जैसी है बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे मैं रिलेट नहीं करूँगी मैं कहूँगी ये मैं नहीं हूँ ना मेरी ये लाइफ है बट आई लव प्लेइंग इट When I see any character, जो मुझे लगता है कि यार ये character मैं देखती हूँ मुझे when I read the script or when I hear to it, I can see myself in that specific scene. So I sign it. I'm like ये तो मैं हूँ. I want to do this. Are you an ambitious actor in the sense के मतलब आप को होता है कि यार कि अब मैंने ऐसा character कर लिया मैंने ऐसा character करना है अब मैंने इस अपनी skill को और enhance करना है और चीजें explore करनी है अपनी performance में एक I think ये तो है ये तो रहता है ये तो होता ही है बट इसके साथ ये नहीं है कि मतलब मैंने इसको अब ये करना है अब ये करना है ये नहीं है अगेन वही गोल वाली चीज़ ये नहीं है हाँ इम्प्रूव करना है पॉलिश करना है अच्छा करना है ये है लेकिन ये करना है ये करना है आई थिंक हमारे पास ये वाली अभी ऑप्शंस नहीं है अभी जिस टाइम पे हम अभी हैं ठीक है बिकॉज वी आर मेकिंग सम स्पेसिफिक स्क्रिप्ट सम स्पेसिफिक कॉन्टेंट ठीक है और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स वी आर नॉट मेकिंग characters out of the box or scripts out of the box coming from here or there nahi aapki ek script ya aapka content wo hai jo ki aa raha hai aur aapke paas black aur white characters hain theek hai to I think isliye ki jab koi review kar raha hota hai chahe wo aap hain ya chahe koi aur hai to unke liye bhi ye cheez mushkil ho jati hai ki wo us grey character ko kahan pe rakhein okay for instance talking about fitur again
यहाँ पे ये है कि जब हम फितूर के अंदर, व्हाट आई लाइक अबाउट फितूर इज़ के जंजबील ने बहुत अच्छा लिखा है इन अ वे कि उन्होंने उस सारे फ्लॉज के साथ लिखा है. एज ह्यूमन वी आर नॉट फ्लॉलेस और वी आर नॉट फिल्ड अप विद फ्लॉज, राइट? इट्स नॉट कि हम सब, या तो मैं बुरी हूँ या मैं बहुत बुरी हूँ या फिर मैं बहुत अच्छी हूँ, पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. मैं कहीं पे कोई बुरा डिसीजन या गलत डिसीजन ले सकती हूँ, विच डज नॉट मेक माई डिसीजन राइट, बट मैंने डिसीजन तो लिया है, उस वक्त मेरे लिए वो सही डिसीजन है. वो रिएक्शन है, वो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है. वो ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अभी जिस वक्त ये सारी चीज़ें चल रही थी और वो ऑडियंस की तरफ से, बिकॉज आई रीड कॉमेंट्स, ओके, तो ऑडियंस की तरफ से आना शुरू हो गया कि अब तो इसके साथ इतना हो गया कि अब तो ये कुछ भी करेगी तो ये कर सकती है, अब तो इसके साथ इतना हो गया कि अब कुछ भी करेगी तो ये कर सकती है. आई नो कि थोड़े टाइम बाद ऐसा नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है कि वो ऑडियंस के दिमाग में वो ऑप्टिमम लेवल उन्होंने मेरे साथ वो लिव किया. वो उस पॉइंट पे वो हुए कि यार बस, लेट्स डू इट, लेट्स जस्ट ब्रेक दिस वॉल. लेकिन हिबा, डोंट यू थिंक द फैक्ट के उस पॉइंट तक दिलनशीन को लेके गया, एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम वेरी वोकल अबाउट इन ऑल आवर रिव्यूज, आई कीप सेइंग के दिलनशीन ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जो आप उसको. But then again, you're talking about a serial who is on aired on a Pakistani TV channel, okay, and is written for Pakistani audience, okay. There are people who will be like, "Yeah, नहीं, हम ये नहीं देखना चाहते." लेकिन at the same time, I tell you, शुरू में जब मैं पहला मेरा project था, I was doing, तो वो तेरी मेरी जोड़ी था, ठीक है? तो उसमें आपका support. हाँ, ठीक है, क्योंकि मेरे घर वालों ने कहा था कि सामने नजर नहीं आना, टीवी पे नहीं आना. तो टीवी कर रही है बट टीवी कैमरे पे नहीं आना, पीछे कहीं, मतलब. हाँ, मतलब थोड़ा सा आना और चली जाना, नजर नहीं आओ, मतलब वो ये नहीं कि तुम सामने आ जाओ, ऐसे नहीं करना. तो दैट्स अनदर थिंग, बट यस. तो जब हम वो वाला कर रहे थे, उसके अंदर अभी वो ऑन एयर नहीं हुआ था, तो मुझे 7 लीड रोल्स ऑफर हुए थे. आई वाज लाइक, मैंने कहा आई डोंट वांट टू डू दिस. बट इंटरेस्टिंग पॉइंट, 7 लीड रोल्स आपको क्यों ऑफर हुए जब आप एक सपोर्ट रोल करनी थी तब? तो क्योंकि मैं उस वक्त सिलेक्ट हुई थी, दैट वाज फॉर जी India, and we were selected by Indian whatever the selector. Explain that to me. I will. That was a, like, you know, some grand mega project, okay, sort of thing. Okay. So they were just about ke iske andar jo bhi aega, it's like you're there. Ek. Dusra was that for Z5? Yes. Probably. तो Z5 का कोई mega project बनना था. हाँ. उसमें उसी के लिए था. That is the reason कि वो आपको YouTube पे या कहीं पे नहीं मिलता. ठीक है. ठीक है. And you done it. Yes, I have done that. Okay. So yeah, so but the point is, जिस वक्त मैंने वो साइन किया था, उसके एक दो दिन के बाद ही everyone came up to me, why are you doing a supporting character? You should do a lead character. This was the point कि उन्होंने कहा कि आपको एक लीड कैरेक्टर करना चाहिए, सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं करना चाहिए. अच्छा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे समझ नहीं आई, तो इसलिए आपकी आप अच्छा समझाती हैं चीजों को, मुझे एहसास हुआ है. सो ये जो प्रोजेक्ट था, मेरी अम्मी टीचर है, माशाल्लाह, इसीलिए रीजन की मैं उनके साथ स्कूल में जाती थी पढ़ाने. पढ़ाने? हाँ, पढ़ा भी देती थी. So many interesting points. Yeah, I'm an actor, na, so I used to do everything, a bit of everything. So interesting. So, Teri Meri Jodi was actually a joint venture between Jio and Z5. Yes. ठीक है. और वो दोनों जगह चलना था. वो दोनों जगह चलना था और हुआ ये कि Jio के ऊपर इन्होंने on air किया, ठीक है. लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे relatability नहीं बनी यहाँ पे audience के साथ, because it was a Gujarati family जो कि India में Gujarati, a different Gujarati, they're like जो थोड़ा दूसरे तरीके से बात कर, जो मेमनी तो नहीं कहेंगे उसे, गुजराती ही कहेंगे, गुजराती में बात करते हैं. और हमारे यहाँ पे गुजरात जो है वो पंजाबी गुजरात है, बिल्कुल, तो बिल्कुल. वो कनेक्ट ही नहीं कर सकते थे, प्लस लोगों को समझ नहीं आया, नहीं आया. प्लस उसके अंदर ढोकला, एंड दे हैड दिस ऑल दिस की ढोकला बना लो और ये कर लो, उन्होंने इंडिया के लिए बनाया था क्योंकि वो इंडियन गुजरात, नॉट पाकिस्तानी गुजरात. तो यहाँ पे हम लोग नहीं कनेक्ट कर सके. जो थोड़ी बहुत लोग थे जिन्होंने देखा, दे लाइक्ड इट, इट वाज अ लाइट हार्टेड, एंड दे थॉट दैट यू शुड बी लीड. Before airing it, so they thought that I should be the lead. But वो play ऐसा था, उस play के लिए नहीं, they asked me for another play. हाँ. वो play ऐसा था कि उसके लिए वही लड़की, उसी के लिए ही था वो lead और मेरे लिए नहीं था. तो eventually parents को फिर कैसे convince किया जिन्होंने कहा था? मैंने नहीं convince किया, हुआ यही था कि जब मैंने वो पहला वाला play आ गया on air, तो मेरी नानी ने अम्मी को कहा कि ये क्या, ये तो आती और चली जाती है. तो अम्मा is like, मैंने कहा तो decide कर लो कि आना है या नहीं आना है. से दे ले कि नहीं, नहीं सही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा पक्का, मैंने कहा कंफर्म. फिर देन आई वाज लाइक, अब बताओ कि क्या क्या स्क्रिप्ट जो लीड आ रहे थे ऑफर्स आ रहे थे. वो मैंने खुद ही मना की थी. उसकी वजह ये थी कि मैंने उनको जाके कहा था, जो बात मैं करना चाह रही थी वो बात ये थी
कि उन्होंने जैसे मुझे, मैंने कहा कि मैं ऐसे ही नहीं रोना चाहती, ऐसे नहीं रोना चाहती। नहीं मैं नहीं रोना चाहती ऐसे ही, कि मतलब क्योंकि आपकी रेटिंग आएगी, मैं नहीं चाहती कि मैं रोऊं ऐसे कोई वजह के बगैर, कि आप कुछ क्रिएट कर दें और वो फिर वजह के बगैर मैं रोती रहूं, ठीक है? एंड दे लाइक नहीं, लेकिन यही चलता है. मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा मुझे रीज़न दे दो कि ये रीज़न है, मैं आई कैन क्राई पूरी ज़िंदगी रो लूँगी मैं, लेकिन मुझे वो रीज़न तो दो, ठीक है? अब उसके बाद आई डिड भोली बानो, तो फिर वो भोली बानो था और उसके अंदर मतलब उसके पास रीजन थे, वो अपने हिसाब से रोती थी, अपने तरीके से रोती थी, नहीं भी रोती थी, हंसती थी, लड़ती थी, सब कुछ करती थी लाइक नॉर्मल पीपल डू. एक आपने इवन मिस्चीवियस कैरेक्टर भी किया था हाँ मैंने बहुत सारे किए जो उसके बाद भोली बानो के बाद जो आपने किए सिलसिले हेरा सिलसिले हेरा। हेरा हेरा शी वाज लाउड, शी वाज डिफरेंट। शी वाज वेरी डिफरेंट. सो मुझे यू उसके अंदर आई इट थॉट वाजंट मैंने लाइक कि आप एक ही रट में कर रही हैं कैरेक्टर्स, आप ट्राई आउट कर रही थी। नहीं मैं क्या, व्हेन आई रीड द स्क्रिप्ट मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर, व्हेन आई लिसन टू इट आई एम लाइक ये वाला ये मेरा है, ये दे दो, तो आई जस्ट डू इट. बट ऑफ लेट देन अभी जो हम आपके जो ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछले फितूर एंड दीवानगी, दीवानगी ऑफ कोर्स कंक्लूडेड ऑन अ कम्प्लीटली डिफरेंट नोट एंड वी वर वेरी इंप्रेस्ड, वी वांट एक्सपेक्टिंग। बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इवन इन दीवानगी एंड नाउ इन फितूर, इवन आई मीन इट वॉज द 31st एपिसोड इफ आई एम नॉट मिस्टेक, 31 32 हो गई है मेरे ख्याल में, 30 एपिसोड्स तक तो दिलनशीम के ऊपर जुल्म ही हुआ है। नहीं लेकिन उसके अंदर बीच में उसकी वो वेरिएशन आई है, वो चेंजेस आई हैं कुछ ना कुछ, कि वो आपको कहीं कहीं पे वो हिट किया कि हाँ यार ये अभी कुछ करेगी, इसने नहीं कहीं कहीं स्टैंड लिया है. यूर राइट, यूर नहीं कहाँ कहाँ प्लीज मुझे बताएं कहाँ स्टैंड लिया उसने। मैं बताती हूँ आपको. जैसे फॉर इंस्टेंस कि कहीं कहीं जब ये उसके साथ महमल के साथ बात करे, तो ये यू नो इसने स्लाइट सा वो किया है, कि पहले अगर ये डर के चुप हो रही थी शुरू में, कि जब उसने आके बोला कि मेरे साथ था और ये यूं करता था यूं करता था, तो ये चुप होके सुन रही थी कि अच्छा ठीक है. बट आहिस्ता से, बिकॉज आई डोंट नो कि वो बहुत स्लो स्लो एपिसोड्स चल रही हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो शायद ज़्यादा लग रहा है कि वो ज़्यादा ड्रैग हुआ हुआ लग रहा है मे बी, क्योंकि शुरू के वो 10 मिनट भी चलते हैं और सारी चीज़ें वो ड्रैग हुई हुई लग रही हैं, जो कि इतनी ड्रैग है नहीं, ठीक है. वो ये था कि फिर उसने फिर खुद ही उसने अटैक इस तरीके से करना शुरू कर दिया, उसने कहा अच्छा सही, क्योंकि माँ ने कहा है कि पेट के जरिए दिल का रास्ता होता है, तो मैं ये करूँगी. तो उसने खाना पकाना शुरू किया, उसने कहा अच्छा दिस इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है तो चलो मैं थोड़ा सा लड़के देख लूँ, मैं थोड़ा नखरे करके देख लूँ, तो वो मतलब हैदर के ऊपर थोड़ा सा बॉडी से हक भी जताती है कि नहीं वेर आर यू गोइंग, डोंट गो, मुझे साथ ले जाओ, मुझे शॉपिंग करा दो. उसने वो बोलना शुरू किया, पहले जो उसका बिल्कुल ये था कि नहीं मैं तो इससे बात भी नहीं कर सकती, नहीं मेरे पास मत तो आओ, नहीं आपकी मुझसे नजर बात में मत वो करो. उसका स्टैंड लेना था कि उसने बोलना नॉट शुरू किया। नॉट एग्जैक्टली स्टैंड लेना, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा, एक मतलब एक बंदे को जो अगर नॉर्मल इंसान जो कि जो दुनिया के अंदर रहते हैं, वो एकदम से सुबह उठ के चेंज नहीं हो जाते, टाइम लगता उन्हें। वो ग्रेजुअली वो एक चीज़ होती है और कि यूर मेरे सेइंग कि को, दिलनशीन के लिए वो बड़े बड़े स्टेप्स थे, छोटे स्टेप्स नहीं थे क्योंकि वो कि दिलनशीन है, वो दिलनशीन है, उसको सपोर्ट नहीं है कहीं से, उसको कोई सपोर्ट नहीं है. अच्छा ये यहाँ पे सपोर्ट के साथ मैं कहूँगी, क्योंकि लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे कि हमजा ने आके बोला है तो इसलिए ये जो है इतनी ऐसे हो गई है, विच इज़ नॉट द केस एट ऑल. आमना सेड इज बिकॉज द मदर्स। अम्मा एग्जैक्टली मैंने वो देखा था एंड शी इज़ राइट, इट्स बिकॉज ऑफ द मदर, बिकॉज यू नो कि इसको काफ़ी टाइम से वो अम्मी की तरफ से ही वो नहीं मिल रहा कि कहाँ, जब इसकी माँ ने इसको प्यार किया तो इसको लगा कि हाँ ठीक है. बट वॉज दैट नॉट द रीजन कि माँ ने बोला कि तुम भी अपनी बेटी को यूं ही समझाओगी तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि वो एक वो हार्ट टू हार्ट बात हो गई, कि उसने कहा कि मैं अपनी बच्चों के लिए अपने मैंने बर्दाश्त कर मैंने ली हूँ। अपने बच्चों के लिए नहीं करूंगी और मैं ये अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मे बी मेरी अम्मा इसी सब से गुजरी तो शायद मैं इसकी भी दिमाग थोड़ा सा समझ सकती हूँ. इसको जो वो माँ की तरफ से प्यार मिला, बिकॉज दैट्स फॉर पता नहीं कितने टाइम के बाद, तो वो अब ये है कि हाँ ठीक है, तो शी स्टार्टेड एग्जिस्ट, यू नो शी गॉट विंग्स, रेड अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब आपके पास दिलनशीन आता है या दीवानगी का स्क्रिप्ट आता है, व्हाट्स द थॉट बिहाइंड यू सेइंग यस टू दीज कैरेक्टर्स? फॉर दीवानगी वाज दैट देर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स हु आर वर्किंग लाइक दिस, हु आर गोइंग आउट एंड हु आर वर्किंग लाइक दिस. लेट मी शेयर एक्सपीरियंस, शॉर्ट कैंडिड एक्सपीरियंस. वी वर डूइंग दिस बस वाला एक सीन कर रहे थे हम, और उसके अंदर ये हुआ कि हम शूट कर रहे थे, तो हमारे जितने भी हमारे एक्टर्स ही थे, जितने भी लोग बस के अंदर थे वो सारे एक्टर्स थे. तो उसमें एक सीन था कि मैं जा रही हूँ, मैं जाके ट्रे लेकर आती हूँ. अच्छा वो इत्तेफाक से हम हॉक्सबे पे करे थे, तो वो पूरी रोड जो ऐसे दर 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 टूटी हुई है, वो बनी भी नहीं है, और हम यूँ जा रहे हैं, तो वो जो दूसरी लड़की जो बस उससे बनी थी वो आके मेरे अंदर गिरे थे. लाइक ओके बट वट एवर, हुआ ये कि जब हम सीन्स कर रहे, एक पॉइंट पे आके मैं इतनी अनकम्फर्टेबल हो गई,
वो एक्टर्स हैं, वो जूनियर एक्टर्स हैं, वो हमारे ही आर्टिस्ट, बुलाए हुए आर्टिस्ट हैं, वो कोई अननोन लोग नहीं है. लेकिन मैं अनकम्फर्टेबल हो गई, मैं इतनी अनकम्फर्टेबल हुई कि मैं यूं करके फिर खुद ही मैं ऐसे ओके एंड आई वाज लाइक कि अच्छा सही है. और जब वो ख़त्म हुआ एंड आई वाज एक्चुअली शिवरिंग एंड आई वाज लाइक कि यार मैं नहीं कर सकती. मैंने कहा अगर मैंने एक दिन अपने एक्टर्स के अंदर, अपने ही जूनियर आर्टिस्ट के अंदर खड़े होके ये काम किया है, तो मेरे लिए इतना मुश्किल है. जो लड़कियां रोजाना ये करती हैं उनके लिए कितना मुश्किल है कि मतलब किस किस तरीके के लोग आते हैं, जो कि किस किस तरीके से और देखते बेशुमार हैं. केसेस हुए हैं, हमने वीडियोस देखी हैं आई टेल लोगों यू की. दिस इज दैट फहीमा वाला सीन कि जो फहीमा के साथ होता है, कि उसके साथ वो एसिड अटैक वाला होता है, वो एग्जैक्टली वो केस हुआ है. दैट्स एग्जैक्टली वो केस हुआ है जो कि उसके अंदर था. ठीक है, तो आई रिमेम्बर जब फहीमा वॉज गेटिंग मेकअप डन, वो उन्होंने नहीं दिखाया बिकॉज इट वॉज ऑन टीवी. लेकिन जिस वक्त वो मेकअप हो रहा था, नाइ वाज लाइक फहीमा आई कैन नॉट सी यू लाइक दिस. शी वॉज इन एम्बुलेंस एंड शी वॉज लाइक कैसी लग, मैंने शट अप, जस्ट डोंट से इट, आई कैन नॉट सी यू लाइक दिस. और मेरा दिल एक्चुअली ऐसे होने लग गया अजीब सा कुछ ना, और मुझे लगा कि मैं तो नहीं कर सकती, मुझे तो नहीं आ रहा ये. मैं एंड आई स्टार्टेड, आई हैड नो वर्ड्स. उन्होंने कहा डायलॉग, मैंने कहा मैं क्या बोलूँ इस सिचुएशन में देखकर, और मुझे नहीं पता. और मैं खुद ही उसके अंदर चली गई. ना मैंने कहा यू आर राइट फहीमा, इट्स जस्ट मेकअप, आई रियलाइज. बट ये एक्चुअल में होता है कि कैसे हो सकता है कि एक इंसान अल्लाह ताला की तख्लीक को इस तरीके से ख़राब कर दे और उसको ये रियलाइज ना हो कि उसने ये क्या किया है. मतलब इट्स एक्चुअली समथिंग कि हम एक्ट कर रहे हैं, बट हम वही एक्ट कर रहे हैं जो कि हुआ है या होता है या जो एक जो चीज़ें हैं जिस तरीके से. तो आई रिमेम्बर कि वो पूरा दिन जो है वो हमने इसी तरीके से हम हॉस्पिटल गए, हमने वो किया और मैं चुप करके बैठी हुई थी. और वो तो अगेन जैसे कि मैं वो सुन रही थी, मुझे ऐसा लगा कि ऐसी लड़कियां होती हैं जो बाहर जाती हैं जॉब पे, जो चीज़ें इस तरीके से होती हैं जो उनके साथ जो वो फेस करती हैं. कितनी बार मुझे बाहर ऐसी लड़कियाँ मिली जो कि जिन्होंने मुझे आके कहा कि हाँ मतलब हमने बहुत रिलेट किया आपके इस कैरेक्टर के साथ, हमें बहुत अच्छा लगा एंड वी फेल्ट कि दैट देयर इज समवन हु इज टॉकिंग अबाउट अस एज वेल. सो देयर इज अ कॉन्शियस थॉट बिटवीन द कैरेक्टर्स दैट यू पिक, कि या वो रिलेटेबल हो या ऑडियंस उनके साथ इस तरह से कनेक्ट करे कि आप किसी की. सी आई थिंक आई वुड नेवर डू अ कैरेक्टर और समथिंग जो मुझे खुद अच्छा ना लगे. आई कैन नेवर बी ऑनेस्ट टू समथिंग लाइक इफ आई एम नॉट विद इट. मुझे अगर मैं उसके साथ ऑनेस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगी. दिलनशीन में क्या अच्छा लगा आपको? मुझे उसका वो मुझे अच्छा लगा, इसका ग्रे कैरेक्टर अच्छा लगा. मुझे अच्छा लगा कि ये जिस तरीके से ये चेंज करेगी, ये अपने आप को जिस तरीके से चेंज करेगी, बेशक स्लाइट चेंज करे, बेशक ड्रास्टिक चेंज हो जिस भी तरीके का, लेकिन मुझे अच्छा लगा. मुझे अच्छा लगा कि मुझे लगा कि इसके अंदर मेरे पास वो वेरिएशन है कि मैं इसको प्ले कर सकती हूँ. आई कैन प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स इन दिस वन कैरेक्टर. हाउ वुड यू डिफाइन दिलनशीन एज अ पर्सन? नॉर्मल, अ ह्यूमन, नॉर्मल पर्सन. नॉर्मल पर्सन हुज फ्लॉड, हुज फ्लॉड, एंड एवरी पर्सन इज, एवरी ह्यूमन हुज स्टूपिड, हुज फ्लॉड, हु कैन टेक डिसीजंस इन लाइक किसी भी तरीके से. फॉर इंस्टेंस इफ इट्स मी, आई कैन टेक एनी डिसीजन एनी टाइम. मुझे पता होगा कि हाँ मैंने शायद कोई गलत फैसला किया. मैं ऐसी हूँ अपने आप में कि अगर मैंने कोई फैसला, मुझे पता कि ये गलत चॉइस है, बट आई डू इट बिकॉज आई फील लाइक डूइंग इट, आई डू इट. जैसे आप अभी दीवानगी की बात करी थी ना, आई हैव टू गिव क्रेडिट, एक रिव्यू में हमने ये बात की कि दिलनशीन की जो माँ है या दिलनशीन का जो भाई है, ऐसे कैरेक्टर्स कहाँ होते होंगे असल जिंदगी में, ऐसे लोग होते हैं नहीं होते? And I actually got a lot of messages from women who said that my mother is worse than Dilnashin's mother. My family is worse than Dilnashin's family. I have seen people like that. I have seen people like, you know, even हम बाहर देखें वो बहुत अच्छे लगते हैं. They are very literate people. You'll be like, यार ये कुछ नहीं इस तरीके से हो सकता. But I have seen them beating their daughters like that. Beating their daughters like even worse. So there are people like that जो कि इस तरीके से कर रहे होते हैं. हमारे see, I tell you something. हम चाहे जितने लिबरल हो जाएं, हम चाहे जो भी कर लें, हम चाहे जितने एजुकेटेड हो जाएं, हम कुछ भी करें, लेकिन आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वो आपकी सोसाइटी है, वो आपकी ज़्यादा परसेंटेज है. ठीक है, जो मेजॉरिटी है वो एक तरह से सोचती है. एग्जैक्टली, ठीक है, वो यही होगा कि अगर मैं उसको डिनाई करने के लिए खड़ी हो जाऊँगी, लेकिन डिनाई भी तभी करूँगी ना जब मैं रियलाइज़ करूँगी कि हाँ वो है, विच मीन्स कि वो है. तभी हम उस चीज़ को डिनाई करते हैं, तभी हम कहते हैं कि नहीं यूँ तो नहीं होना चाहिए. We talk about you नहीं होना चाहिए. You cannot. But you see, now my contention is exactly this, कि अगर फितूर ये कहानी है जो ये बता रहा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे दिलनशीन के साथ हो रहा है, they've taken about 30 episodes to lay that foundation के पहले दिलनशीन के साथ ये हो,
और ठीक फिर है दो सर। किस्तों में एंड की तीन किस्तों में आप ये बताएंगे कि यार कि दिलजीत के साथ यून नहीं होना चाहिए. दैट्स व्हाट माय प्रॉब्लम विद आवर ड्रामास इज, यू नो, एंड आई एम जस्ट वांट योर मे बी ऐसा हो ही नहीं कि उसके अंदर ये बताएं कि मतलब दिलनशीन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मे बी दैट इज योर कॉन्शियस माइंड एज अ व्यूअर। बट देन डोंट यू थिंक देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट लाइज ऑन द एक्टर हु इज पोर्ट्रेइंग सच अ कैरेक्टर एंड द राइटर एंड द डायरेक्टर एंड द एंटायर टीम कि यार अब See, अगर I ऐसी tell कहानी. you're talking about the entire team. Let me tell you one thing. There's, I would say, एक अफसोस की बात है यार, not exactly अफसोस, what will be the right term for that? You know, कि it is important to work as a team, but there are people who work like एक production house है, एक director है, एक writer है और एक actor है, ये और एक सब चैनल है. और ये channel है और ये सब individually काम कर रहे हैं। आप चैनल पे देखते हैं, आप एक ड्रामा देखते हैं, आप ये नहीं देखते कि उसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, ठीक है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जो कि चल रही हैं, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। आपको नहीं पता कि कई बार ऐसा होता है कि यू कम अप टू योर डायरेक्टर लाइक कि यार ऐसा मुझे ये नहीं करना, ठीक है, एंड बट योर डायरेक्टर इज लाइक कि नहीं ये तो ये यूँ होगा बिकॉज ये ऐसे लिखा हुआ है या ऐसे नहीं भी लिखा हुआ बट आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस। तो आप एक पॉइंट तक उस चीज़ के लिए लड़ सकते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, आपका ऑब्वियसली वो मैटर करता है, लेकिन कहीं कहीं पे वो नहीं करता। मैं अभी कल ही कोई इंटरव्यू देख रही थी कुछ दूसरे एक्टर्स का दूसरी जगह पे, तो उनके अंदर यही था कि भाई कहीं पे आपको लगता है, इवन छोटी सी बात है कि आप डायलॉग्स के अंदर कहते हैं कि मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, एंड लाइक नहीं ये का को की ही होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, तो एक्टर्स वो लाइक क्यों, मतलब मुझे मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन वो डायरेक्टर कहता है नहीं ये ऐसे ही होगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट जस्ट ऑफ एन एक्टर, वो अगेन यू आर राइट, इट्स अ टीम वर्क, ठीक है, तो उसके लिए सब एक साथ बैठते हैं, सब एक साथ बात करते हैं कि हाँ ये हमें ये ऐसे चाहिए, ठीक है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिकली, सेवन स्काई इज रियली सच अ प्रोडक्शन हाउस के वो वेरी व्हाट यू से अकोमोडेटिंग, आई थिंक अकोमोडेटिंग एंड रिस्पॉन्सिबल इन अ वे दैट दे वेरी नाइस, दे लाइक फैमिली, दे फॉर मी दे लाइक फैमिली, ठीक है, इवन ए एंड बी वॉज लाइक अ फैमिली, इवन आपने तो काम ही ज्यादा जियो के सारे मेरे ख्याल में जियो के नहीं साथ. मैंने हम के साथ भी काम किया, मैंने हम के साथ एक प्ले किया है व्हिच इज थोड़ी सी वफा, ठीक है, इवन दे लाइक फैमिली, बट एंड यू गॉट एन अवार्ड फॉर दैट. यस आई गॉट एन अवार्ड फॉर दैट, बेस्ट एक्ट्रेस सोप या इन कनाडा, बट आई डिडंट गो एंड रिसीव इट एंड आई डिडंट, आई डोंट हैव इट, आई डोंट हैव इट, आई डिडंट. हम टीवी प्लीज हिवा को एक ही बिचारी ने ड्रामा किया और अवार्ड भी जीत गई एक ही ड्रामे से, उनको पहुंचा दें प्लीज, ठीक है. सो यस, लेकिन द पॉइंट इज के इवन दे लाइक फैमिली, ठीक है, मतलब दे कॉल मी, मैंने आई नो ये है, मुझे बता दो कुछ और, ठीक है. सो यू आर राइट, आई एम लिटिल चूजी अबाउट माई कैरेक्टर्स एज वेल, यार वैसे आई बीन गेटिंग ऑफर्स और वो मुझे नहीं ऐसा कुछ समझ आया था, बट क्लिक नहीं कर रहा कुछ, क्लिक नहीं कर रहा. एआरवाई के साथ तो हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, मैं अब कर रही हूँ, मैं अब कर रही हूँ, अब कर रही हूँ, मेरा एक अभी चल रहा है जो कि जुनैद खान के साथ है. अच्छा, हम ना थे बेमेहर, हम ना थे बेमेहर. आजकल ड्रामों के नाम बड़े मुश्किल और लंबे होते जा रहे हैं. हम ना थे बेमेहर, मुझे बहुत देर से याद हुआ था, लेकिन हम ना थे बेमेहर, इंटरेस्टिंग, जुनैद के साथ, जुनैद के साथ, जुनैद खान है इसके अंदर, और आई थिंक ये प्रोबेबली अगस्त तक, आई थिंक ऑन हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अगस्त तक, इंशाल्लाह. ओके, तो बिफोर दैट ईद पे टेलीफिल्म आएगी, सो दैट इज विद मी, बट दैट्स फॉर बोथ आर फॉर एआरवाई. Anyway, so we were talking about Fitur. Fitur. So, achha, I tell you, achha, ab humne baat kiya tha, hum wardrobe pe bhi isi ke andar hi aa jate hain. The point is, see. Pehle main wardrobe ke sawal pooch lo aapse. Puche, aapne jaisi baat hai, aapko hoga ki maine to sawal puche nahi, mujhe jawab dene. Nahi, but mujhe pata hai ki aapko sawal already pata hai, but un logon ke liye jinko sawal nahi pata, even though unko bhi pata hai ki main kya poochne wala hu. Why is Dilnashin dressed the way that she is? She is always wearing these. I'm not a fashionable person. I don't understand fashion. But one thing I do know is that whatever Dilnashin is wearing and whatever heavy makeup she puts on before going to bed and whatever heavy clothes that she is wearing while she is sleeping, that must not be comfortable for her. Kya aap is pe kya kehna chahengi aap? Main galat keh raha hu. Jo jitne makeup aur jitne bhari kapdon ke sab mujhe ho raha hota hai ki yaar ye kaise bichari so rahi hogi. Kya? Silence. देखिए बात ये है, आई थिंक यू एग्री विद मी, नो आई टेल यू, देयर इज समथिंग, आई टेल यू, देयर इज, व्हाई आर यू लाफिंग, टेल मी प्लीज,
I'm trying to compile words, you know. I'm trying to just put it the right way. Okay, okay. Because I told you that this today is not the right day to interview me. Because you'll say everything. No, not because I'll say everything, because I'm in just another zone, you know. I am a person who is in different zone in every other day. I like the zone where you're in today. Okay. So, yeah. Let's go with the flow. Let's go with the flow. Dil Nashin's wardrobe. See, I tell you. I did this project, and even before this, I did another project which was Ramze Ishq with Siraj ul Haq. Yeah. Okay, Siraj bhai has this thing, which is a very dreamy sa ek cheez hoti hai, jo ke he's like, you know, he wants it to be more dreamy and more. In my interview on record, he said that 8 baje ki audience ko dream chahiye, and that's what he wants. He wants to show a dream to the audience. Exactly. So, we were doing that, so in that, there was also something that he wanted to be like more flowy, and I mean, a little bit like. हमें के मतलब हमें फ्रॉक्स चाहिए और हमें इस तरीके का चाहिए तो द वार्डरोब इज प्रोवाइडेड बाय सेवन स्काई ठीक है दिस इज नॉट हिबाज पर्सनल चॉइस लेट्स बी क्लियर अबाउट इट पर्सनल चॉइस सी ऑब्वियसली बिकॉज़ दैट्स व्हाट नो मतलब एज इन दीस आर नॉट क्लोथ्स दैट यू मेड फॉर योरसेल्फ नो आई डिडंट मेड इट माय सेल्फ आई डिडंट ठीक है इफ दे आर गुड इफ दे आर बैड व्हाटएवर दे आर से दे आर मेड बाय सेवन स्काई ठीक है तो जो सेवन स्काई के वार्डरोब डिपार्टमेंट ने आपको कपड़े बना के बिल्कुल बना के दिए जो कि उन्होंने अपनी जो कि उनको लगा कि दिल नशीन का जो कैरेक्टर है उसके लिए एप्रोप्रिएट एग्जैक्टली ठीक है ठीक है सो देयर आर फ्यू नाइट ड्रेसेस एज वेल आगे के एपिसोड में आ जाएंगे जो कि थोड़े से और वो बड़े मजे के थे वो ऐसे भी थे कि उसमें से एक मैंने ले लिया था ठीक है दे वर सम सॉफ्ट सॉफ्ट मलाई के वो मेरी बाजी ने बनवाए थे वो बड़े मजे के थे ठीक है तो सॉफ्ट मलाई के कपड़े के थे बट या ओके कमिंग बैक टू द पॉइंट अच्छा जहां तक बालों की बात है बाल उसके ऐसे ही हैं वो उठती है वो ऐसे ही होती है she wakes up like that she wakes up like that and she wakes up with makeup on as well yeah. and she sleeps with makeup on as well aur wo kharab bhi nahi hota that's just the way it is yeah. iska aur koi jawab because wo siraj bhai ki heroine hai siraj bhai ki heroine hai yeah. ek comment I remember there was this sorry nahi nahi please aap hum ramzesh ki kar rahe the to usme ye tha ki ek kitchen ka scene tha aur I should not say this. It's just come back to the point. बोल दें नहीं बोलेंगे अच्छा ठीक एक और कमेंट था हमारे रिव्यू में आमना ने इसके ऊपर बात की उन्होंने कहा कि हिबा की जो है कास्टिंग इट्स अ मिसकास्टिंग बिकॉज जो अर्लियर सीन्स हैं व्हेन यू आर शोइंग हिबा एज अ कॉलेज गोइंग गर्ल शी डजंट लुक लाइक अ कॉलेज गोइंग गर्ल योर ओपिनियन ऑन दैट माय ओपिनियन ऑन दैट उनको नहीं लग रहा होगा आपको क्या लग रहा था अच्छा मुझे दो तीन चीज़ें लगी मुझे कहीं कहीं लगा कि दे आर राइट मुझे कहीं कहीं लगा दे आर रॉन्ग राइट इसलिए क्योंकि जब मैं खुद को देख रही थी अच्छा वैसे भी जब मैं अपने आप को स्क्रीन पे देखती हूँ तो मुझे लगता है आई कैन लुक बेटर ठीक है कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आपके मेकअप आर्टिस्ट कोई और होगा या कोई और आपको किसी और तरीके से देखेगा या आपको लेकर चलेगा उस तरीके से जिस अकॉर्डिंगली आपके फीचर्स के हिसाब से लाइक मेरे फीचर्स बहुत बने बने हैं अगर इनको हम ज़्यादा कुछ करते हैं तो वो बहुत बन जाते हैं एंड आई वांट टू ऐड दैट कि राइट नाउ व्हेन आई एम सिटिंग विद यू लाइव यू एक्चुअली लुक अ लॉट यंगर देन व्हाट यू अपीयर टू लुक लाइक ऑन स्क्रीन एज दिल नशीन I don't know what science that is because I don't understand these things. That's about the makeup. That's about the camera. Everything adds on, right? Your dressing, your hair, your makeup, everything adds on. So naturally, वो एक चीज़ उस तरीके से हो जाती है. तो I think ये बहुत important होता है कि आपका वो makeup artist उस तरीके का हो कि जो आपको कहे कि यार नहीं ये वाली चीज़ अच्छी लग रही है, ऐसे अच्छी लग रही है, but camera पे अच्छी नहीं लगेगी. Because there are a lot of things जो camera के साथ नहीं जाती. ठीक है. So plus even dresses पे यही हो गया, आपके बालों पे यही हो गया, सारी चीज़ें उस तरीके से हो गई. अब फॉर इंस्टेंस इसके अंदर छोटा सा एग्जाम्पल ये कि मुझे ये याद है कि मैंने कहा नहीं नहीं आई डोंट वांट टू पुट मेकअप ऑन इसके अंदर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट पुट ब्लश ऑन ठीक है और मैं ये करूँगी मैं चैपस्टिक लगा लूँगी तो मैंने चैपस्टिक लगा लिया बट जब हमने उसको इन्होंने एडिट हुआ वो सारी चीज़ें हुई और वो जो भी होके और जैसे वो ऑन एंड हुआ तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है व्हाई वुड आई अप्लाई रेड कलर की लिपस्टिक एंड गो टू अ कॉलेज आई वुड डू दैट ठीक है मैंने काजल लगाया और ब्लश ऑन लगा लिया जो कि यूजुअली कॉलेज की लड़कियाँ करती हैं कि दे पुट अ लिटिल ग्लॉस और ब्लश ऑन और काजल जब तैयार होती हैं तो वो इस तरीके से करती हैं तो मैंने वही किया बट जब वो एडिट हुआ उसकी सारी चीजें होके और वो फिर इस तरीके से आ गया एंड आई फेल्ट लाइक अच्छा ठीक है आ गया सो यू आल्सो फेल्ट दैट यू नो कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे बेटर वे द स्टाइलिंग कुड हैव बीन बेटर आई एम रॉन्ग बिकॉज़ आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कॉलेज गोइंग गर्ल्स दैट आई सी देम एंड आई एम लाइक ओके आर दे एक्चुअली कॉलेज गोइंग गर्ल्स बिकॉज़ दे आर डिफरेंट यू कैन नॉट जस्ट पुट इट के यार नहीं वो एक टाइप की होती अब तो ऑन अ सीरियस नोट कि मतलब अगर मैं स्कूल में थी और मैं क्लास सिक्स में जैसी लगती थी आज क्लास सिक्स की बच्ची वैसी नहीं लगती
शी डजंट लुक लाइक बच्ची, शी डजंट लुक क्लास सिक्स की बच्ची. मतलब मैंने शायद, मैं इंटर में भी वैसे नहीं लगती थी जैसे कि अगर कोई एट स्टैंडर्ड की बच्ची भी लगती है. ठीक है, सो देर आर लाइक एंड दे हैव, दे नो हाउ टू ग्रूम देम सेल्व, दे नो हाउ टू यू नो कैरी देम सेल्व. My opinion, and if anybody is interested, I think the styling bit was not apt. Dilnishin ki styling, even throughout, mujhe personally aisa lagta hai ki could have been a lot better. But that's something that you're saying, it's not in your control, obviously. Har cheez actor ke control mein nahi hoti. And then of course, director ka bhi vision hota hai. And I, see, I tell you, you're right. I can actually get into it, ki achha nahi, ye nahi, mujhe to ye chahiye, ye nahi, mujhe to ye chahiye. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे भी रमसेश की बात कर रही थी उसके अंदर एग्जैक्टली यही था कि मैंने उसके अंदर बहुत सारी जगहों पे ऐसा किया था कि मैंने कहा था कि नहीं मुझे ये नहीं करना. फॉर एग्जांपल देयर वर सीन्स के जिसके अंदर सिराज भी बोलता कि क्यों है ये, तो शी डजंट लुक लाइक अ हीरोइन, शी इज वेयरिंग सच सिंपल क्लोथ्स इन रमसेश. ठीक है, सो मैंने किया बिकॉज इसका बाप मर गया है, इसकी माँ को घर से निकाल के हम यहाँ आ गए और अब इसकी नौ घर से शादी हो गई, तो ये वही कपड़े पहने चाहिए जो एक नौकर की बेबी को पहने चाहिए. उसके हिसाब से भी मैंने ज्यादा कपड़े पहने हुए हैं, मुझे ज्यादा लग रहे हैं, मुझे शायद इससे भी बुरे पहनने चाहिए. बट आई एम वेयरिंग जनरेशन इफ आई एम सपोज टू से दैट, सो बट आई एम वेयरिंग दैट. ठीक है, और मेरे बाल खुले हुए, मैं किचन में, मैंने हील पहनी हुई और मेरे बाल खुले हुए, आई वॉन्ट टू टाई देम अप, बट मैंने क्योंकि खुले रखने तो मैं इसको हाफ टाई कर रही हूँ. मेरा ये आर्ग्यूमेंट था इनिशियली. ठीक है, लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें मेरे लिए प्रॉब्लम ये हुई कि मैं उस चीज़ को मतलब मैं परफॉर्मेंस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकती थी. इस चीज़ पे ज़्यादा होता था कि अच्छा क्या मैं ये कर रही हूँ, एंड यू नो यू जस्ट बी देयर कि अच्छा मेरा ये फॉर्म ओपिनियन है, मैं इसको ऐसे ही करूँगी. एंड ऑब्वियसली इट टेक्स अनदर टोल ऑन योरसेल्फ एंड परफॉर्मेंस से फिर फोकस. एग्जैक्टली, ठीक है. तो अब व्हेन आई वाज वर्किंग विद सिराज भाई, आई न्यू कि अच्छा he is doing it, it's just for TV and it's fictional, it's his vision and he wants and things done in a certain way, in a certain way, and I completely appreciate it and I would agree to it because that's the director's point of view. I am working in a project right now जो मैं अभी बता रही हूँ ARY के लिए, मैं मोहसिन मिर्जा के साथ काम कर रही हूँ और मोहसिन भाई का एग्जैक्टली ऐसा है कि मुझे याद है मैं सीन एक सीन था उसके अंदर मैं आई एंड ही सेड बाप की मैयत है. मैंने कहा हाँ बट चैनल इज लाइक के मेकअप तो मुंह धो लो. मैंने कहा आयु शो, इज लाइक मेरी जिम्मेदारी. मैंने कहा धो लूं, कहते हैं हाँ. मैंने मुंह धोया, मैं वापस आ गई. व्हाट डू यू एंजॉय मोर, सजा सवन्ना रहना या इस तरह रियल के मुंह धो के आओ? डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर, बट हाँ आई डोंट माइंड मुंह धो के भी आओ, कोई बात नहीं. मैंने अपना, मेरा पहला प्ले मैंने बगैर मेकअप के किया उसके अंदर, मतलब कोई बहुत रेयर सीन थे, ना मेरे बाल बनते थे ना मेरा मेकअप होता था. डायरेक्टर वाज लाइक भाई ऐसी चाहिए, ना बाल बनाओ ना मेकअप करो, ऐसे ही करो और आ जाओ, मैं कर लूंगा मुझे चाहिए होगा तो. That again, see, that's director, editor. There are a lot of people, except you see people on screen, right? There are a lot of people behind No, that's it. Very good. And I think ke aap us school of thought se hain ke you're an actor, it's your job. You're at a job, exactly, you're on a job. Exactly. The director is the captain of the ship. Perfect. Wo aapko bolega bhai ke makeup karke ye orange kapde pehno, to tumne... I tell you, there was a scene ke main aayi aur... मैं आई मेकअप रूम से एंड उन्होंने कहा कि वो टोनिंग का सीन था, कहते हैं अब देखो तुमने शबनम बन जाना है. मैंने कहा सर ठीक है. मैं आई, मैं आके रोने लग गई, मैंने ख़त्म किया, कहते हैं यार तुमने शबनम से अच्छा किया. मैंने कहा सर आपको अच्छा लगा, गुड. उसमें से ऑडियंस हो सकती है कि जो क्रिटिसाइज करे कि यार ये कैसे रो रही है, उसमें से ऑडियंस हो सकती है जो कहे यार अच्छा ओ वाह क्या रोई है, क्या रोई है. इट्स ओके. And That's these things don't bother you then, कि जो criticism आता है, especially critics जो सोफों पे बैठ के कहते हैं कि नहीं, I like that critics. जो सोफों पे बैठ के बड़े एसी में बैठ के आराम से comment कर देते हैं कि नहीं यार ये तो performance ही कुछ नहीं थी. मुझे पता है ना कि पीछे की backstory क्या है. So it doesn't bother you. These things don't affect you. That's good. Yeah, because you know, I know कि पीछे क्या situation थी. मुझे पता है कि अगर मुझे नहीं पता हो, हाँ मुझे लगेगा कि मुझे पता है कि पीछे क्या सिचुएशन थी. जहाँ मुझे ये पता है कि हाँ यहाँ ये सिचुएशन नहीं थी और वहाँ वो बंदा सही बात कर रहा है, तो मैं वहाँ उस चीज़ को लाइन करके और मैं उसको करेक्ट करूँगी. अच्छा, आई विल हाईलाइट दैट और मैं उसको करूँगी कि हाँ ठीक है ये एक कुछ गलती, हाँ ठीक है यू राइट. जैसे कि मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ सही है, ये आपने सही बोला मुझे, तो मैं उस चीज़ के अंदर उसको हाईलाइट करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि वो नेक्स्ट टाइम मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर लूँ. पर थैंक यू, आप ये सारी बातें मैं बता रही हूँ, इससे आई थिंक व्यूवर्स को भी ये पर्सपेक्टिव मिलेगा कि एक्टर्स किस तरह की सिचुएशंस, किस तरह के चैलेंजेस में काम करते हैं. और ऐसा नहीं होता कि अगर एक एक्टर को एक सर्टन लुक या पेरेंट्स एक सर्टन तरह से बात करते हैं, एक सर्टन तरह से डायलॉग बोलते हैं, एक सर्टन कैरेक्टर में देख रहे हैं, दैट्स नॉट एंटायरली द एक्टर्स कॉल. आई थिंक दैट्स अ मच नीडेड क्लैरिटी आल्सो. ऑब्वियसली ऑब्वियसली, बिकॉज़ इट्स
इट्स देर आर एक्टर्स वो लाइक नहीं मैंने तो यही करना है, नहीं मैं तो मेरा तो नाम यही Who होगा, take a stand, big वो stand like, हाँ, दे से कि नहीं मेरा नाम ये होगा या ये एक्शन डाल दो या ये होगा या ये सीन डाल दो, ये लाइन मैं यूं बोलूंगा, ये लाइन मैं नहीं बोलूंगा या ये लाइन इससे बुलवा दो, देर आर एक्टर्स लाइक दैट. तो आपको नहीं लगता आपकी क्रिएटिविटी लिमिट हो जाती है इन सारी चीजों की वजह से, जिस लेवल पे आप परफॉर्म कर सकती हैं या करना चाह रही हैं उस पे आप नहीं कर पाती, बिकॉज देन डू यू नॉट फील ट्रैप्ड? आई डू एट टाइम्स दैट यू लाइक, मुझे कभी कभी लगता है कि हाँ ठीक है सही है, लेकिन अगेन देन यू लाइक यू नो यू वर्किंग अंडर समवन एल्स इंस्ट्रक्शंस राइट, देर आर टाइम्स बट आई डू टेक स्टैंड, देर आर टाइम्स आई डू टेक स्टैंड जहाँ मुझे लगता है कि नहीं ये तो नहीं, ये तो नहीं करूँगी, वहाँ मैं बैठ जाती हूँ, वहाँ पे मैं लड़ भी लेती हूँ, वहाँ पे अक्सर होता है कि मैं बोलती हूँ कि नहीं ये नहीं, दे लाइक नहीं ये तो, एंड आई एम लाइक नहीं आई डोंट अग्री टू दिस. नहीं एक चीज़ जो मैं, मेरी एक्सपेक्टेशन नाउ आई कैन से कि है कि आगे मूविंग फॉरवर्ड इन योर अदर ड्रामास बट इन फितूर स्पेसिफिकली, जो दिलनिशिन को थप्पड़ पड़ा है हैदर की तरफ से, आई थिंक इट वॉज नॉट नीडेड एट ऑल. मैंने वो एपिसोड बड़े गौर से देखा ये समझने के लिए कि शायद उसकी, आई थिंक आगे देखिए मैं आपको बताऊँ, प्ले जो है ना वो थोड़ा स्लो पेस चल रहा है अभी, ठीक है चाहे वो शुरू के 10 मिनट हो या चाहे वो उसकी पेस जिस तरीके से, लेकिन आप जैसे आगे देखेंगे तो आपको वो पता चलेगा कि अच्छा इसके यहाँ पे रेलेवेंस है. आई विल टेक योर वर्ड ऑन इट. या बिकॉज़ यू नो दैट कुड बी रियली एन इजी वे आउट फॉर यू आल्सो सेइंग कि रेलेवेंस. ऑन अ सीरियस नोट आई टेल यू कि इवन सिर्फ ऐसे बोल जाए कि नहीं मुझे नहीं करना यार, मैं मारूंगा नहीं, कितनी बार यार मैं नहीं मारूंगा, यार मैं नहीं मारूंगा, बट मतलब वो ये था कि अच्छा ये एक थप्पड़, क्योंकि वो बहुत पहले भी बहुत जगह पे लिखा हुआ था जहाँ पे हमने नहीं मारा. अच्छा ये अब आपने स्टैंड लिया इस बात के ऊपर पहले? मैं आपको बता रही हूँ ना कि मतलब ऐसे, लेकिन ये वाला वो थप्पड़ था कि जहाँ ये था कि अच्छा ये अभी थप्पड़ पड़ा है, एंड देन सो कुड बी, आई डोंट नो. ठीक है चलें, गुड. नो नो दैट्स वेरी गुड. अगर मैंने भी यही बात अपने रिव्यू में भी की थी, और हम अक्सर ये बात करते हैं कि अगर तो स्क्रिप्ट की डिमांड है बाय ऑल मींस, कोई ये नहीं कहेगा कि यार क्या आप थप्पड़ दिखाओ ही ना. जैसे मैं आपको बताऊं इसके अंदर एक और चीज है कि मैमल वाला थप्पड़ था जो उसकी रेलेवेंस थी, और मैमल उस थप्पड़ के बाद छोड़ के गई, तो सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अब ये वन प्लस वन टू, ओके सो आई टेल यू समथिंग. अब जैसे इसके अंदर एक छोटी सी चीज है कि जिसके अंदर, क्योंकि हम टीवी के ऊपर दिखा रहे हैं, तो उसके अंदर वो ऐसे एक्चुअल सीन था कि वो वहाँ जब मैं उसके साथ बैठती हूँ गाड़ी में, तो वो जो बीच में आपको नजर आया कि वो ब्रेक लगती है और गाड़ी आपस में, वो एक्चुअल वो सीन नहीं है, वो ये सीन ही नहीं है, लेकिन क्योंकि आप ऑन एयर नहीं दिखा सकते कि वो साइड पे रोकता है, वो साइड पे रोक के वो पावर हिल करता है और वो फिर सारी चीजें आगे चलती हैं, तो वो उसके ऊपर उसका ये शौक होता है कि व्हाट आर यू डूइंग इन फ्रंट ऑफ मी, लेकिन क्योंकि आप ये ऑन एयर नहीं दिखा सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग सोफा पे बैठ के ऊपर बस बोल रहे होते हैं, तो आप ऑन एयर नहीं दिखा सकते, तो इसकी वजह से वो उन्होंने उस चीज को नहीं दिखाया, और उन्होंने उसको ऐसे दिखा दिया कि दो गाड़ियां आपस में टकराई हैं, वेयर एज दिस इज नॉट द फैक्ट. वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस पॉइंट पे वो इंपॉर्टेंट था, शायद उन्होंने वो नहीं दिखाया मुझे एज कौन से पॉइंट पे गाड़ियां, जो जब हम गाड़ी में मैं उसके साथ जाके बैठती हूँ, ठीक है, जब पहले रेड सूट में अम्मी के घर से जब निकलती हूँ, ठीक है, जब वो कहता है कि मैं अंदर आ जाऊंगा, मैं अंदर आ जाऊंगा तो मेरे साथ चलो, तो वहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जहाँ पे मैं कहती हूँ कि नहीं मैं अब उससे प्यार करती हूँ, सो ही स्टॉप्स द कार, और वो दिखाते हैं कि दो गाड़ियां आपस में, व्हिच इज नॉट द केस, इट वाज लाइक कि वो साइड पे गाड़ी पार्क करता है, हां, एंड ही नेल्स पाउडर, वो ड्रग्स लेता है वहाँ पे, वो ड्रग्स, और वो आप टीवी पे नहीं दिखा सकते, तो उन्होंने वो गाड़ियां दिखा दी, ठीक है ठीक है, तो उसके लिए वो एक शॉकिंग पॉइंट है कि नाउ शी नोज दैट शी ही इज इन अ ड्रग एडिक्ट राइट, सो ही इज इनटू इट, और ये इस तरीके से सारी चीजें, बट वे फिर ऑडियंस के साथ जाती ना, हमने वो नहीं देखा शॉट, सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लेकिन अगर हम ऑन एयर दिखाते हैं तो फिर ये होता कि यार आप इस चीज को प्रमोट करें, दिखा देते किसने उसके सामने किया, एंड शी इज लाइक बट शी इज स्टिल फेस टाइमिंग हिम नाउ, ये मुझे नहीं, फिर अगर उसने ये देख लिया इसके पास, अच्छा अब जो है ना, अब क्योंकि हम यहाँ पे आ गए, तो अब देखें पहले जो पहले वाला इसका स्टैंड था ना, जो ये आके कहते हैं कि नहीं यूं नहीं हूँ और यूं नहीं हूँ, वो इसकी अम्मी की वजह से था, ठीक है, जो अम्मी ने उससे पूरी कॉन्वर्सेशन की, हाँ, जो अब जो जिस तरीके से ये जा रही है वो अब हो सकता है कि वहां इसकी वजह से हो, या वो थप्पड़ की वजह से भी हो सकता है, थप्पड़ की वजह से तो मतलब नेचुरली है ना, थप्पड़ की वजह से तो नेचुरली है, लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर इसकी अम्मी की तरफ से इसे कोई सपोर्ट नहीं है. सो अब वो शायद वो इंक्लाइन फील कर रही हो हमजा की तरफ, इंक्लाइन भी नहीं, बट यू नो कि अब के
कोई सुन सकता है. हाँ, क्योंकि उसने दो तीन बार ये बात बोली है कि एक तरफ एक वो शख्स है एग्जैक्टली कि जो मोहब्बत भी करता है और इज्जत भी करता है, एग्जैक्टली कि कोई सुनने वाला है, कि कहीं ना कहीं आपने उसके साथ, अगेन मैं मैडम के गाने का रेफरेंस दूंगी कि वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, ठीक है. अब उसके अंदर एग्जैक्टली वो ये कि उसका एक रिलेशनशिप रहा है उसके साथ, ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, दे वर इन लव, तो उसको ये लगता है कि हाँ ये मुझे समझता है, मुझे समझता है, ही वॉज देयर विद मी, जब तक ये साथ हो सकता था ये साथ रहा है, ये मेरे लिए मर गया था, मर रहा था, और अब जो है ये वापस अगेन, क्योंकि वो अपने दिमाग में तो वो बच्ची है, ठीक है, तो ये अब एडिक्ट हो गया है और ये जो है अभी भी मेरे लिए ही मर रहा है, और अभी भी ये कह रहा है कि भाई इज्जत और वगैरह, मैमल भी कह रही है वो तुम्हारे नाम का दम भर रहा है, और एवरी वन इज लाइक कि भाई इट्स अबाउट हिम. सो नाउ शी इज लाइक कि अच्छा चलो कोई है, बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग माई सेल्फ टू दिस पर्सन, और उसका तो कुछ कुछ है ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको, वो वहीं पे किया जा रहा है, तो ठीक है तुम जाओ, सही है, तो यू कैन गो टू द पर्सन यू वॉन्ट टू, और मुझे बस सही है, अगर मेरे पास कोई और वे आउट नहीं है तो चलो ये एटलीस्ट समझता है. मे बी नाउ शी इज इन, जैसे आपने सवाल पूछा आपने से कि क्या अब शी इज इन लव विद हेदर, ठीक है, सो यू व्हाट डू यू थिंक इज शी, शी इज, so she is in love with two people, no. and which can happen, which can happen but no, theek hai, she's only in love with heather, she's only in love with heather now, the reason for that is ki jo iska hamza wala tha wo it was very wo ek hota na wo young youth wala ek young love, ha theek hai, teenage love ya youth, thoda sa ek jawani ka thoda sa kuch jo bhi tha, but जो हमारे जो इस जो हम इस स्पेसिफिक प्ले में दिखा रहे हैं, जो हम एक ऑडियंस हम टारगेट कर रहे हैं, या जो हम इस दिमाग को टारगेट करें, जिस मेंटालिटी को टारगेट करें, उसमें यह है कि शादी के बाद जो है वो औरत को अपने शौहर से मोहब्बत हो जाती है, निकाह में बड़ी पावर होती है. जी हाँ, लेकिन सुनिए तो मैं आपको, हाँ लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सुनिए तो उसने वो टाइम लिया अपना, और आहिस्ता 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 जब उसकी माँ ने उसकी सास ने कहा कि नहीं ये तुम्हारा शौहर है, ये तुम्हारा शौहर है, और इसको कोई आसरा नहीं था कि वापस हमजा आएगा, कहाँ है कहाँ नहीं है, नाउ शी इज इन लव विद हैदर, बट शी हरसेल्फ डजंट रियलाइज दैट. इंटरेस्टिंग, सी बिकॉज उसको, बट शी इवन टोल्ड हमजा कि हाँ अब मैं करने लगी हूँ प्यार, लेकिन उसने उसको बड़े ऊपर ऊपर से बोला है, उसने ऐसे सुपरफिशियली बोला है, हाँ उसने ऐसे बोला कि यस यू नो जस्ट गो अवे, I don't want to see you again. कि कहीं वो जो कहीं तुम्हारे लिए एक मोहब्बत थी वो वापस ना आ जाए. तो इसका मतलब है फिर तो थप्पड़ के बाद माफ कर देगी हैदर को. I don't know. ये जो थप्पड़ पड़े हैं सब पिछली एपिसोड में अम्मा की, था एक पंच था, अच्छा हाँ, अम्मी की तरफ से भी पड़े, अम्मी ने मुझे एक्चुअल थप्पड़ ये एक्चुअल मारे हैं या क्या आप बताना चाहेंगे, सबा हमीद साहिबा का हाथ भारी है, सबा हमीद साहिबा ने मुझे एक्चुअली मारे, शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर, आई लव वर्किंग विद हर, तो जैसे हम ये सीन करे थे ना वैसे कि मैंने कहा मुझे बताएं कि हम कैसे इसको, कहती नहीं मुझे तो ट्रीटमेंट नहीं होता तो मैं तो मारूंगी, तो मैंने यूँ देखा, मैंने कहा कहते हैं और क्योंकि सिराज भाई थे तो सिराज भाई हाँ हाँ मारो मारो, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है सही है, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चलें ट्राई करेंगे. तो आई रिमेम्बर कि जैसे वो मुझे हिट कर रही थी तो मेरा झुमका जो वो इतने लंबे लंबे झुमके उनमें से एक झुमका टूट गया था, शुक्र है वो बाद में हमने वो सीन किया था, पहले ये सब शूट कर चुके थे हम, और अम्मा वाला सीन वो हमने बाद में शूट किया था तो वो झुमका बाद में टूटा था, वरना आप कहते हैं फैसल इज मोर एक्सपीरियंस, तो उनका तो नहीं था असल वाला, वो तो माइम था, वो माइम था, वो नहीं लगा, बट दिलनशीन की तरफ हम एक और जो बात करते आ रहे हैं कि आपने दिलनशीन के सामने महमल को लाके खड़ा कर दिया, सो फॉर हैदर टू इग्नोर महमल इट्स nearly impossible because you look at Mehmal and you like she's every man's dream and the way that she's dressed up, how you know stylish she is aur jitni wo khoobsurat aur haseen lag rahi hai, not that ki Hiba nahi hai but Dilnashin aur Mehmal ke beech mein obviously koi comparison nahi hai, isn't that something that bothers you also as a viewer, let's say ke yaar ki ek taraf unhone jo Dilnashin ko dikhaya ki Heather us pe usne convert hona hai Mehmal se Dilnashin ki taraf, but as far as the appearance is concerned, aap muskura rahi hai, I tell you Heather was never in, why am I answering for Heather, but Heather no, was, it's a conversation we're having, a general discussion. Heather was never in love with the appearance of Mehmal. Heather was in love with Mehmal jab Mehmal was a simple girl. If you remember their flashback scenes, to uske andar usne normal shalwar kameez pehni hui hai, cotton ki ya lawn ki, aur jiske andar wo net ke dupatte hain, wo normal si jhumkiyan pehen ke ghumti hai ya kuch bhi. He was in love with that simple girl. Right? Now he's in love with the simple girl. Another simple girl.
ठीक है. सो ही ऑलवेज वांटेड टू बी हैव अ सिंपल गर्ल, नॉट समवन हु इज ड्रेस्ड और यू नो ऑल दैट मेड अप लाइक हॉट एंड सेक्सी व्हाटएवर. या मेड अप फॉर विद समवन एल्स मनी. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. और उसने उसी की मोहब्बत का सहारा लेकर उसने वो अचीव किया है. So why would he want that? He doesn't want it. He's in love with that. Good answer on Heather's behalf. Well done. But एक और मुझे बात बताएं. ये जो फोकस है ऑन अफेयर, एंड मैं आखिरी दो किस्तों के देखने के बाद मुझे बहुत इस बात पे एक तरह एक बुरा भी लगा कि यार कि मोहब्बत या प्यार या अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं उसके ऊपर आपने इतना बड़ा ठप्पा अफेयर 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 करके उसको इतना कोई ईवल एक एक्ट बना दिया है. ऐसा तो कुछ नहीं था. हिबा कह रहा हूँ सॉरी दिलनशीन और हमजा की एक बड़ा मतलब कैजुअल जैसे यंग लड़के लड़कियों को होता है दे यूज्ड टू लाइक ईच अदर एंड वांटेड टू गेट मैरिड मोस्ट इंपॉर्टेंट. कोई उनका वो ऐसा नहीं था अफेयर नहीं था मतलब दे वांटेड टू गेट मैरिड. नहीं था तो एज पार्ट ऑफ द टीम व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि ये जो अफेयर उसको इतना कर दिया और हर एपिसोड में 5-6-7 बार ये आता ही है अफेयर था उसका अफेयर था उसका अफेयर था. कोई आपको ओपिनियन नहीं है इसके ऊपर? नहीं है आपको ओपिनियन? आपको नहीं लगता कि ये दिलनशीन के साथ जाती है बेचारी के साथ? एज द एक्टर हु इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर यू डोंट थिंक कि इसकी जरूरत थी? बेचारी है. नहीं जरूरत थी उसकी इतनी है. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. एटलीस्ट समवन टॉकिंग टू मी. मैं अपील करती हूं ऑडियंस से मेरा साथ दीजिए. मैं जो भी करूं मेरा साथ दीजिए. शुक्रिया. Moving forward. I think 2-4 किस्तें रह गई हैं ज़्यादा नहीं तो. अच्छा? I would suppose मेरी जब फैसल साहब से मैंने अभी इंटरव्यू किया था उन्होंने मुझे बताया था. आपको नहीं पता? नहीं. क्यों? नहीं पहले मैं बहुत होता था अब नहीं होता. अब आपको नहीं पता होता कि कितनी किस्तें रह गई क्या क्या? वो चैनल प्रोडक्शन है. तो जब आप टीवी देख रही होती किस्तें आई एम श्योर आप देखती हैं ड्रामा यू फॉलो द ड्रामा तो आपको इतना तो अंदाजा हो क्या होगा कि अब कंक्लूजन की तरफ जा रही है या मुझे तो लग रहा था कि ये कंक्लूजन की तरफ पहुंच गया फिर मुझे लगा नहीं अभी तो ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा ये भी ये भी होगा. कितने एपिसोड्स हो गए तो अभी भी होगा और मजीद या आपको लगता है कि अब कंक्लूजन की तरफ जा रहा है? अभी तो आप लोग मुझे बहुत और प्यार करेंगे. यू हेट मी. हेट हिबा और हेट दिलनशीन. हेट हर. यू वांट हेट हर? आई हैव नेवर हेटेड हर. I've always taken a stand for her. I've always said #  justice for Dilnashin. उस बिचारी ने. Thank you. No seriously. #justice for. Let's just make it a trend. है ना? You post it on your Insta. #justice for Dilnashin. Justice for Dilnashin. I'll share my picture with you ना. तो you do. No but honestly as a viewer whenever I watch an episode of Fitoor उसमें और किसी के साथ नहीं बुरा होता और दिलनशीन के साथ होता है. And at what point I said कि यार कि अभी भी हो सकता है कि नहीं you don't agree? No I don't because मैंने आपके reviews देखे हैं कि आपको कई बार लगा कि हाय बेचारा है देयर. लगा ना आपको? लगा है? But वो इसलिए नहीं लगा कि दिलनशीन ने कुछ बुरा किया. हो सकता है कि आपको अब लगे लेकिन आपको लगे नहीं, अब नहीं लगेगा मुझे जब से उसने थप्पड़ मारा दिलनशीन को तब चले से हम वो देखेंगे. मैंने जो हैदर को डिसओन कर दिया. हां फिर मैं आपका इंटरव्यू करूंगी लेकिन इट्स जस्ट दैट के देखिए अगेन वो फेसेस देखिए आपको पता भी नहीं चला कि कहीं ना कहीं वो चीज आई है कि आपके दिमाग में आपने वो थॉट प्रोसेस किया ना कि हाँ ठीक है कि मैंने क्या उसको हेट किया है नहीं इसने तो इसके साथ नहीं किया नहीं उसने तो नहीं किया नहीं वो बेचारा मैंने उस पर क्योंकि वो ग्रेजुअली वो चीज हो रही है बहुत माइल्ड हो रही है लेकिन हो रही है. यू आर लिविंग विद दैट कैरेक्टर. You know, you're just gradually living with it. So, yeah. ये जो आप इतने लोग माशाल्लाह ड्रामा देखते हैं रेटिंग्स भी जबरदस्त आ रही हैं ट्रेंड भी कर रहा है व्यूज भी जबरदस्त हैं व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द लास्ट फ्यू एपिसोड्स नाउ. अब ये जिस मोड़ पे कहानी आ गई है आपने कहा कि दे शुड दे विल हेट दिलनशीन इवन मोर. आर यू बीइंग सीरियस और आर यू बीइंग सार्केस्टिक? आई डिडंट गेट इट. मैं थोड़ा बेवकूफ हूं. आई शुड टेल दैट इफ आई एम जस्ट बीइंग सार्केस्टिक और इफ आई एम बीइंग लाइक दैट इट्स जस्ट दैट Depends. नहीं फिर हम लगा देंगे ना अपने थंबनेल में कि you said people will hate Dilnashin even more. Even more? That's what you said. See, you think that people are hating Dilnashin? No, in my initial interview, I did say this के Dilnashin का character वो है कि you'll love her, you'll like her, you won't like her, you'll hate her, you'll feel pity for her, you'll get irritated by her. उस सारे इमोशंस कहीं ना कहीं थोड़े 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 भी आएंगे ज़्यादा ज़्यादा भी आएंगे तो वो चेंज होता रहेगा वो चीज़ें आएंगी
ऊपर नीचे जाता रहेगा, जाता रहेगा वक्त के साथ साथ, अच्छा। दिल नशीन के हर मूव के बाद, हर सुबह के बाद, जैसे वो उठेगी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वार्डरोब दैट शी इज वेयरिंग दैट पर्टिकुलर मॉर्निंग। नो बट ऑनेस्टली ये 30 हफ्ते गुजरे हैं एंड और कुछ नहीं तो फितूर ने एक बाज क्रिएट करके रखी है, पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इट, देयर इज अ डिस्कशन गोइंग ऑन के यार के हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, दैट्स एन अचीवमेंट फॉर द टीम, दैट्स ऑफ कोर्स दैट्स एन अचीवमेंट। हाउ डू यू लुक बैक एट योर फितूर जर्नी देन? आई एम लविंग इट, आई लव माय ऑडियंस, आई लव माय फैंस, आई लव इट, आई जस्ट लाइक इट। हाउ इज इट लाइक ऑन सेट, योर केमिस्ट्री विद वहाज, फैसल के साथ आपके बहुत सीन्स हैं, दे बोथ आर ग्रेट एक्टर्स, बोथ आर ग्रेट को एक्टर्स टू वर्क विद, एंड यू नो द स्टार्स, दे आर स्टार्स, सो दे लाइक, वो अपने लीग में, अपने लीग में सब दे स्टार्स, और वो बड़ा अच्छा लगता है। इवन किरण, किरण इज किरण के साथ भी आपको बहुत सीन्स, मेरा दूसरा प्ले है उनके साथ, तो सब इवन सीनियर्स, सब लोग, जितने भी लोग हैं, सबके साथ मुझे काम करके बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। एक मतलब ऐसे तो वी वर लाइक अ टीम टीम, ऐसे अच्छा ही था, सब अच्छा था। सबसे ज्यादा किसके साथ आपको मजा आया सीन्स करके? कोई फन गॉसिप कुछ बताया ना, कुछ डिपेंडिंग ऑन सीन्स, डिपेंडिंग ऑन सीन्स। सर फैसल के साथ फ्यू सीन्स, ये जैसे कुछ मुझे ये पता था कि जैसे कुछ सीन्स थे हमने जैसे रिहर्स नहीं किए हुए थे, या कुछ बहुत लंबे सीन्स थे, ठीक है, बहुत लंबे सीन्स थे, लेकिन वो हमारा, हम एक दूसरे के वो एक्शन रिएक्शन पे, जो कि एक्ट करने में जिसमें मजा आता है, कि वो एक्शन रिएक्शन में हमने उसको एक टेक के अंदर कर दिया, और वो जो 6-7 पेज का एक ड्रैग्ड सा सीन था वो हमने 2 पेज में कर लिया। प्लस वो बात करना, वो आर्ग्यूमेंट, वो सामने खड़े होना, वो आगे पीछे, जैसे अभी एक मैंने अभी जो सीन गया है जिसके अंदर मैं इनको कहती हूँ मर्द की कोई इज्जत नहीं होती क्या, बिल्कुल सही बात की दिल ने, ठीक है, तो वो एक व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ फैसल कुरैशी एंड यू जस्ट इन हिज आईज एंड यू टेलिंग हिम दैट यू नो क्यों, तो आपके ऊपर वो नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है, कि आप जब कोई सीन करते हैं आपको पता है कि फैसल कुरैशी बहुत टाइम से एक्ट कर रहे हैं एंड ही इज अ रियली गुड एक्टर एंड ही हैज बीन डूइंग दिस, और उनका ये ही इज डूइंग इट पता नहीं कब से, बचपन से, उनके बचपन से वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब यू नो ही इज जस्ट सो मच इनटू इट एंड ही नोज ऑब्वियसली मोर देन यू, ही इज मोर एक्सपीरियंस एंड व्हेन यू आर डूइंग इट सो ऑब्वियसली आपके ऊपर ये एक नेचुरली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप वो कैसे करेंगे, कि आप वहाँ कहाँ स्टैंड करते हैं, कि आप उस चीज को या आप उस जगह को मैच कर सकते हैं, आप उस टोन को मैच कर सकते हैं, आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये आई थिंक दिस इज अ रियली नाइस नाइस थिंग। अब मुझे बताएं कि ऑफ कोर्स मूविंग फॉरवर्ड व्हाट इज नेक्स्ट फॉर हिबा अपार्ट फ्रॉम द टेलीफिल्म दैट्स कमिंग आउट ऑन ईद एंड द ड्रामा विद ARY, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स करने हैं, मजीद डिफरेंट चैनल्स के साथ काम करना है, स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, किस तरह के आ रहे हैं, क्या व्हाट्स द बज? I know you're not goal oriented, but फिर भी कुछ ना कुछ तो। No, I'm working, एक ये project है जो कि अभी ARY आएगा, फिर एक और है जियो के साथ, which is very different, which is very, एक और आएगा A+ पे जिसके हमने शूट कर लिया, उसमें भी जुनैद खान है, आरिज अहमद है और असद महमूद है। टेलीफिल्म में कौन है? मुनीब भट्ट है, गुले राना है, वसीम अब्बास है, रुबीना अशरफ है, मुझे बहुत मजा आया इन सारे सीनियर्स के साथ काम करके, बहुत 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 मजा आया, मैंने इतना कुछ सीखा, मुझे बहुत मजा आया, आई लव्ड इट, एकदम आप चार्ज हो गई टेलीफिल्म से, आई नो, वो बहुत साउंड्स लाइक अ फन प्रोजेक्ट, दे आर सीनियर्स, और मतलब आई हैड फन ऑन सेट, आई हैड सो मच फन ऑन सेट कि वो बहुत इजी हुआ, लेकिन मतलब वो सीनियर्स, वो ऐसे वो सीनियर्स हैं कि जिनके साथ आप काम करते हैं, यू लर्निंग एक एक सेकेंड Each and every second कि यार ये इन्होंने कैसे किया? And Vaseem साहब और गुले राना both fantastic people, I love them to bits. I tell you, there was a scene कि हम खड़े हुए हैं और रुबीना अशरफ जी वहाँ पे खड़ी हुई हैं और उन्होंने एक लाइन बोलनी थी नॉर्मल, और जब उन्होंने वो एक नॉर्मल लाइन कही जो कि बहुत नॉर्मल सी लाइन थी, और मैं लिटरली सीन से बाहर थी, मैंने कहा इन्होंने ये अपनी आवाज़ को क्या किया, ये इज शी सीरियस, इज दैट रियल, because she wasn't, he was acting, I know that's a line, but I was into it, ki maine kaha nahi ye to sach keh rahi hai, kya sab serious hai, kya hua, to main us zone se bahar nikal gayi, main apne character se ek second ke liye main bahar aayi, theek hai, chahe wo Gule Rana ho, she was so cute, even Vaseem Abbas saab bahut maza aaya, plus in logon ki chemistry bahut achhi thi, ye log aapas mein gaane gaate the, main baith ke sunti thi, inki story sunti thi purani, I had a lot of fun. So then of course there's the drama with Junaid, main naam bhul gaya already. Ek tha Hamnat The Bemeher jo ki aayega ARY pe, aur ek aur hai jo ki A+ pe aayega. Wo bhi Junaid ke saath hai. Wo usme Junaid Khan hai, usme Aarez Ahmed hai, usme Asad Mehmood hai. Zabardast. Aur uska naam kya hai?
उसका नाम है अभी नहीं है, नहीं अभी नहीं उसका नहीं है, ठीक है, वो भी बहुत मजे का है, वो बहुत मजे का है. एंड व्हाट्स दैट अबाउट? दैट्स अ नाइस सिंपल लड़की, अच्छी प्यारी लड़की, पॉजिटिव पॉजिटिव लड़की, बट इट्स अ रियली नाइस प्ले. ठीक है, और इसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दीस थ्री प्रोजेक्ट्स देयर इज द ड्रामा दैट यू आर डूइंग विद जियो व्हिच यू सेइंग इज कंप्लीटली डिफरेंट. इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर. What kind of character is that? Little bit, थोड़ा बहुत बता दें ताकि हम expect करें ना कि अब हिबा आ रही है इस role. She is positive, but उसकी and she's not crying. She's not crying. She's not getting beaten up by the mother or no. In Deewangi also, she was not getting beaten up by anyone. No, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ. She was a fighter. She was a fighter. Of course, she was a fighter. She was a fighter. That was completely different. This is different. ठीक है, तो ये different different आप कुछ कुछ सी आई टेल यू कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं होते. अगेन मैंने आपको बात की कि कंटेंट या जो भी सारी चीज़ें वो एक ही तरीके से है, लेकिन कुछ कुछ तो फर्क हमारे हिसाब से हम जितना कर सकते हैं हम उतना उतना कर लेते हैं. जबरदस्त हिबा, इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर. थैंक यू सो मच. आप पूरे दिन की एफर्ट करके, मेहनत करके, शूट करके आपने रात को वक्त निकाला हमारे लिए, आप आई. इट्स मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके. आई थिंक आपने भी पता नहीं इंजॉय किया या नहीं किया, ये तो वक्त बताएगा. जो आप जो शुरू में आपको गुस्सा था वो आपकी आंखों में एक था ना कि आप ये सवाल मेरे से पूछने जा रहे हैं. गुस्सा नहीं, वो जो आपने कहा कि रिव्यूज देखे हैं मैंने. हाँ, वो वाला आके भी देखूंगी. अच्छा, वो मैंने सुना है कि आप जहाँ पे भी जाती हैं इंटरव्यूज के लिए नहीं लोग आपको कहते हैं कि गाना सुना, इसकी क्या वजह? इसकी क्या वजह आप बता, ऑफ कैमरा हमारी बात. उनका बगैर उनका टेस्ट खराब होगा सुनने में. नहीं तो जब आप इतना लोग रिक्वेस्ट करते हैं हर इंटरव्यू में, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपसे ना रिक्वेस्ट करें? इस नोट पे हम कंक्लूड कर देंगे, आप कुछ सुना दें हमें. मैं भी तो सुनूं ना. मैंने नहीं सुना अनफॉर्चुनेटली. बहुत सारे वो हर जगह पे ऑडियंस सुने, तो मैं लाइव सुनना चाहूंगा ना. लाइव आई एम नॉट अ सिंगर. अच्छा, कुछ दो लाइनें यार किसी भी. मुझे क्या, अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा सिवाय कोई भी नूरजहां का गाना. ऐसा नहीं हो सकता, दुखी गाने आ रहे हैं मुझे इस वक्त. आप मुझे कुछ बता दें, कुछ कुछ भी आप. आई डोंट नो, कुछ भी जो भी आप हम करती हैं ज्यादा. आई डोंट नो, से एनी सॉन्ग. आई डोंट नो दिल दिल पाकिस्तान यार. ओके. ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहां. बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां. दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान. सो नाउ आई नो व्हाई पीपल आर आफ्टर योर लाइफ एंड वांट टू मेक यू. अच्छा, अब फितूर का अब आपको नो वे. नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा नहीं, मैं थोड़ा सा बहुत मुश्किल है. फितूर का क्या है, मैं भूल गई हूँ. आप भी भूल गए तो इसकी हम बात करेंगे. फितूर, अच्छा लगा थोड़ा सा इंटरव्यू. नहीं, नहीं. और इंशाल्लाह हम जरूर वापस मिलेंगे. उम्मीद करती हूँ आपको फितूर भी बहुत अच्छा लगेगा, और आगे जो मैं जितने प्लेस करेंगे वो भी बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह. ये वो है जो मैं कहता हूँ कि अपने फैंस के लिए कोई मैसेज आपने वो मैं अलग से दूंगी, लेकिन ये डायरेक्ट था, वन टू वन. एक मैसेज और फैंस के लिए जो इतना प्यार भेज रहे हैं आपको. बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया. मैं मतलब आई थिंक अगर लोग कहते हैं कि अच्छा आप जो है वो अभी भी स्टैंड आउट करती हैं, और आप अभी भी जो है वो आप अपने हिसाब से काम करती हैं, मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस और वो जो चीज़ें जो भी मेरी एक सपोर्ट है, वो बहुत बड़ी सपोर्ट मेरी फैंस की तरफ से है, मेरी ऑडियंस की तरफ से है. मैं जितना प्यार करूँ, जितना आप लोगों को अप्रिशिएट करूँ, उतना कम है. बहुत शुक्रिया. इसी तरीके से मुझे अपने प्यार में, अपनी अप्रिसिएशन में याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. बाकी सारी चीज़ें मैटर नहीं करती अगर आप लोग इसी तरीके से अच्छे अच्छे रहते हैं तो. यस, आई एम ट्राइंग हार्ड. अल्लाह करे आपको भी काम अच्छा लगे. लवली, मेरे दिमाग में फितूर का वॉइस अब घूम रहा है. दोनों साथ में गा लेते ना, कोई बात नहीं. आयमा बेग ने बहुत अच्छा गाया. हाँ तो थोड़ा सा हो जाए यार. उसे सौ दफा बहुत मुश्किल है. पुकारा है दिल ने मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका. आपने साथ गाया नहीं. वो आंखों में थी जो आंखों में थी जो आंखों में थी आगे मुझे नहीं आता. देखिए ये आपके होस्ट हैं, मैं सोच रही हूँ कि इनका चैनल भी मैं टेक ओवर कर लूँ. You're more than welcome. Thank you so much, Hiba. Wish you all the best for all your future projects. It's been absolute pleasure. Thank you so much. Thank you so much.